हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर RPIT यूट्यूब एकेडमिक चैनल। फर्स्टली माय नेम इज़ दीक्षा, एम सीनियर नर्सिंग ट्यूटर RPIIT कैंपस बस्ताड़ा करनाल। टुडे आई हैव डिस्कस माय प्रीवियस टॉपिक नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। सो इन दिस सेशन आई हैव डिस्कस अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ द नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। जो हमारी पिछली वीडियो थी फ्रेंड्स, उसमें हमने मॉर्फोलॉजी एंड बायोकेमिकल रिएक्शन क्या की थी डिस्कस। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पैथोजेनेसिस फैक्टर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आर दी ओनली नेचुरल होस्ट। जो हमारा नाइजीरिया मेनिनजाइटिस होता है उसमें ये किसको इफेक्ट कर रहा है, इसका ह्यूमन क्या एक नेचुरल होस्ट है जिसमें ये कंडीशन क्रिएट कर रहा है। द ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड बाई एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट। जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट। बोला ह्यूमन का होता है और किसके द्वारा होएगा, हमारा एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। कैसे होएगा, क्लोनिस दी नेजोफेरिंक्स आर बिकम ट्रांसियंट फ्लोरा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो भी क्लोनी होएगी हमारी, ठीक है, इन्फेक्शन क्रिएट होएगा नेजोफेरिंक्स से होएगा एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। देखो हो गया ना, बाय ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न। फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स द ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। नेजल के द्वारा जैसे कोई छींकेगा खांसेगा तो उसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरा पर्सन साथ में खड़ा है, वो एंटर कर जाएंगे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ब्लड स्ट्रीम में, देन स्प्रेड ऑफ द मेनिनजेस मेनिनजेस तक चले जाएंगे एंड ग्रो इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जिसमें इन्फेक्शन का लेवल पता लगता है बॉडी में कितना है, ठीक है, ब्रेन में इन्फेक्शन कितना है, तो वो उसमें हमारा ग्रो करने लग जाएगा। देन नाइजीरिया मेनिनजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द मेनिनजाइटिस। जो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस है वो मोस्ट कॉमन काउज क्या है, उसका मेनिनजाइटिस होएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मेनिनजाइटिस हो जाता है। इन पर्सन बिकम किस किस एज से हो सकता है, 2 साल तक से 18 साल तक के बच्चे को, ठीक है। आउटब्रेक्स ऑफ द मेनिनजेस आर द मोस्ट कॉमन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है कब किस सीजन में होता है, विंटर और गर्मियों में। जैसे कि गर्मी आने लगती है तो उसमें, जैसे हमारा मार्च अप्रैल वाला महीना हो गया, ठीक है। एंड फेवरेट बाय क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल। और कैसे अक्कर होएगा, क्लोज कॉन्टैक्ट बाय इंडिविजुअल, जैसे एक दूसरे हाथ मिलाने से, एक दूसरे के पास खड़े होने से, छींकने खांसने से। तो देन क्या क्या क्रिएट हो सकता है आगे कंडीशन, एक तो मेनिनजाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रेन की, जो मेनिनजेस वाली सेकेंड लेयर होती है। देन मेनिंजियोकोकेमिया, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले जो इन्फेक्शन है वो क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया एंटर करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, देन ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा हमारा। आगे जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोस की, क्या क्या जब भी नाइजीरिया मेनिनजाइटिस होता है क्या क्या हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई सैंपल वगैरह होता है हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का उसका। देन उसके बाद आएगा इट इज़ द फ्रिक्वेंटली आइसोलेट फ्रॉम सैंपल सच एज ब्लड एंड CSF। देखो मेनिनजेस है, ब्रेन पे कर रहा है तो हम CSF का लेंगे, ब्लड से लेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ द लेबोरेटरी डायग्नोस, बहुत सारे मेथड है लेबोरेटरी डायग्नोस के जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशन को। तो सबसे पहले है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग देखो फ्रेंड्स, हमें जो भी हम शुरू में पढ़ते हैं कि पेशेंट की क्या है, कल्चर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, पॉजिटिव था टेस्ट, ऑक्सीडिस, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज से हम लिख सकते हैं। कल्चर करेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ते हैं उसमें हम कल्चर से लिख सकते हैं। ऑक्सीडिस टेस्ट इसमें पॉजिटिव ही आएगा, हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है। फर्मेंट टेस्ट, लैक्टोज टेस्ट पॉजिटिव, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये सारे हम क्या करेंगे, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस की कंडीशन में टेस्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIIT यूट्यूब एकेडमिक चैनल। थैंक यू एंड कंटिन्यू द टॉपिक, जॉइन माई सेकेंड सेशन।